पास सर्विस नहीं है अभी, सर्विस उन्होंने बंद रखी हुई है कि तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम जो है वो लंच कर चुके हैं यहाँ लंगर में, तो उसके बाद आगे जाने की तैयारी थी दरबार वाली तरफ। और भाई लोग मेरे जो है वो सारे के सारे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं अभी, तो रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे और आपको भी दिखाएंगे इस पार्ट टू में क्या होने वाला है दरबार की तरफ। और दरबार आपको दिखा दूँ एक बार, वो सामने दिख रहा है, ऐसा सौरभ और अभी है। तो बाकी वालों का भी कुछ आता पता नहीं है गाइस, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे बड़े कम आते हैं, तो समझ गए हो आप कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं, तो फ़ोन का मिल नहीं पाएगा। तो हम सीधा दरबार ही वेट करेंगे उनका और वो दरबार ही आएंगे। तो कोशिश करते हैं आपको यहाँ का रास्ता दिखा दें कैसा है। पिछले रास्ते से तो काफ़ी हद तक अच्छा है, ये देख सकते हो आप। तो अभी हम गाइस पहुंच चुके हैं, ये जो गेट देख रहे हो आप, यहाँ सामने आपको दिखा दूं, और ये है दरबार के लिए मेन गेट। तो यहाँ से एंट्री होती है हमारी, इसके बाद जो है उसी का दरबार आएगा। और गाइस बड़ी ज़्यादा हवा चल रही है, शायद आवाज़ भी इतनी क्लियर नहीं आ रही होगी मेरी। और धूप देख सकते हो आप कैसी है, लेकिन ऊपर वाली साइड आप देखो तो बादल ही बादल है बिल्कुल। और बारिश का भी यहाँ कोई पता नहीं हो रहा है, किसी भी टाइम पे कभी बारिश हो जाती है। बाकी व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा वाला ज़बरदस्त वाला व्यू है, और अब तो थकान महसूस होने लगी है। क्योंकि काफ़ी बड़ा लंबा सफ़र करके आए हैं हम, वो भी पैदल, तो ऑब्वियसली थकान जो है वो होनी ही है। हाँ तो गाइस अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, मैंने अभी और सौरभ ने, तो काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा, यहाँ लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो बाकी वालों ने पहले ऑलरेडी जो है
वो दर्शन कर लिए थे, वो नीचे चले गए हैं। हम अभी यहाँ जो है दर्शन करके फ्री हैं, बड़े अच्छे से दर्शन हो गए यहाँ। हाँ तो गाइज़ अभी हम आए हैं चाय पीने के लिए, और चाय अभी फ़िलहाल तो नहीं पहुंची है। तो हमने अंकल से बात की है तो वो कह रहे हैं कि अभी चाय जो है आएगी थोड़ी देर में, चाय पीते हैं, उसके बाद हम गोम्पा का प्लान कर रहे हैं कि हम गोम्पा जाएं। तो किसी से पूछा है तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको गोम्पा जाने में, और गोम्पा जाएंगे वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमारी शायद हेलीकॉप्टर की हम सोच रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा क्योंकि मौसम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बारिश वाला मौसम है। इसलिए उन्होंने शायद 2 दिन के लिए जो है बिल्कुल हेलीकॉप्टर की सर्विस जो है वो बंद कर दी है। तो गोम्पा जाएंगे, वहाँ से वापसी में हो सकेगा तो पैदल ही जो है हम नीचे गुलाब कर जाएंगे। अभी चाय पीते पीते हमें यहाँ पे जो है वो म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, तो हमने सोचा देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो है वो गाइस 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त की जो हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ में जो है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल पास ले जाके वहाँ से दिखाऊँ। वहाँ पे म्यूज़िक का जो है वो एक गाना भी चल रहा है, हिंदी में तो नहीं है किसी और भाषा में है। वहाँ चलते हैं, वहाँ आपको दिखाता हूँ। रिस्पेक्टेड तहसीलदार, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स और माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम टॉकिंग। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अभी फंक्शन चल रहा है, ये पास से बिल्कुल आप देख लो सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे जो दरबार के पास ही। Gender inequality is a very big social issue that is present in India or country. Even today, in some part of India, the boss of a girl child is unacceptable. Thus, the ratio between the boys and the girls is unequal, and due to that, the population increases. As if a couple has a girl child, they try again for a boy child. Gender inequality is a major reason. इनका कहना है कि जो लोग यात्रा की माता रानी की यात्रा को सफल बनाने के लिए या यात्रा मैनेजमेंट के लिए जो ऑफिसर्स यहाँ पर आए हैं, जो यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, उन पर खुश होकर ये सभी को 500 रुपये का इनाम देते हैं। मैं अपने तरफ से इस पूरे मंच की तरफ से और अपने सभी बच्चों के तरफ से श्री प्रेमलाल जी ज्ञानी का धन्यवाद करता हूँ। तो गाइस अभी हम जो है वो हेलीकॉप्टर सर्विस का पता करने जा रहे हैं। एक बार माइंड में ऐसा डाउट सा चल रहा है ना, तो अभी इतने क्लाउडी मौसम नहीं है, फिर भी एक बार पता कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे सर्विस अभी चल रही है या इन्होंने बंद कर दिया है। तो ये एवियो सौरभ आ रहे हैं। अभी हमने कंफर्म भी कर लिया है उनके पास सर्विस नहीं है, अभी सर्विस उन्होंने बंद रखी हुई है। कि उनका कहना है कि ऑलरेडी हमने 2000 बंदों की बुकिंग ले रखी है, मौसम ख़राब होने की वजह से जो है वो उन्हें भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो अब ये सीन है कि निकलते हैं यहाँ से, गोम्पा चलते हैं, गोम्पा एक बार हो आते हैं वहाँ से, फिर देखते हैं क्या टाइम रहती है हमारी यहाँ पर वापसी की, और उसके बाद नीचे की जो नीचे का हमारा रहना है, जो मतलब नीचे जाना है हमने, वो कितना टाइम लगेगा। तो फिर जल्दी तो करना ही पड़ेगा यार सब कुछ। A few moments later. हाँ तो गाइस अभी हम जो है हमने रूम में पहुंच चुके हैं यहाँ पे, तो आपको एक बार रूम दिखा दूँ। तो बेसिकली रूम जो है शाम को अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए हमने जो है वो फ्रेंड से कॉन्टेक्ट में जो है वो रूम लिया है, उन्होंने अपना पर्सनली रूम आप देख सकते हो, ये उनका खुद का रूम था जो हमें रहने के लिए उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे जो है वो
अभी हमारा सामान पैक हो चुका है, एक बार गोम्पा चलते हैं, गोम्पा जाके वापस आते हैं, फिर बैग यहाँ से लेके जाएंगे। ये रहे हमारे बैग, पैक हो चुके हैं। और सुबह मॉर्निंग में मैं शूट नहीं कर पाया था क्योंकि जल्दी जल्दी थी, रश काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ था, तो मॉर्निंग में बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया। अब गोम्पा जाते हुए शूट करेंगे और आपको नज़ारे दिखाएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं गोम्पा टेंपल में। यहाँ मेरे पीछे टेंपल देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है बाहर से तो, और यहाँ पे अंदर चलते हैं।